अरे राहुल छुट्टी आ गया के? हाँ भाई यार ठीक है। बढ़िया तू सुना? बढ़िया। बोतल बोतल भी लाया के? ठीक है सांझ को मिलेंगे। गर्मी बहुत है। मस्ती हो रही है, बारिश आ गई। हाँ भाई जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। और राहुल छुट्टी आया? हाँ जी। ड्यूटी कहाँ चल रही? लद्दाख में चल रही। ओह बहुत ठंड होगी। हाँ जी अभी से यहाँ लगेगी गर्मी। हाँ यहाँ गर्मी हो रही है। हाँ। कितने दिन की छुट्टी आया? एक महीने का। चल बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, अपना ही खाक बुआ आ जाइए। हाँ इतना बढ़िया बालक बस मुश्किल ही हो। सीधा भी है। सीधा भी है। ये भीख मान आया यू? हाँ बस एक महीने की छुट्टी आया, जो काम करने का करवा जाएगा बेचारा। हाँ अपना पैर फाट हुआ जाएगा। देख ले भाई किल्ला बालक फिर भी अपना नौकरी फौज की कर रहा। फौजी की तो नौकरी मुझे बहुत बढ़िया लगे। देश की रक्षा कर रहे हैं बेचारे बालक, वहाँ पढ़े रहे हैं, इनकी वजह से देश सुरक्षित है। और देख ले भी चाचा ताऊ सब है जिसे जो पूरा याद रख है। पांच हो गया। चाय पियोगे? चाय लो। बच्चा बना ले। चाय को मना नहीं कर सकते। चाय तो 10 बजे पिया दो पूरे दिन। जब तू बनाई ले और पर जीसा करी है 2:30 बजे। बदल लिया पिताजी। आ जा बैठ। और बता सफर कैसा रहा तेरा? सफर तो बहुत बढ़िया रहा पिताजी। और बताओ गांव राम में क्या चल रहा है? अरे काम कुछ छोड़ देना काम में धरिया की है, पर देने चुनाव रहा राजनीति के ईशांग रहे काम का। तो पर तू मेरी एक और बात सुन। हाँ। तेरे रिश्ते बड़े आए थे तो जब फोटो किसी कारण से कोई एक्सीडेंट में उसकी आँख चली गई और छुट्टी की और शादी कर रही लड़की मेरी पसंद भी आ गई। पर मैं उन्हें कह के भी आया था भाई मरा लड़का छुट्टी आओगा वो भी देखना होगा। तो भी एक बार नहीं होंगे कह दी भाई पिताजी जब तब देख ही आए फिर मेरी क्या जरूरत रहेगी? अरे जरूरत तो भाई सब उम्र का रिश्ता बनाएगा देख लिए फिर भी क्या मैं देख लो मर्जी थारी पिताजी। मैं तुम्हें कहूँ था जी आप देख ही आए। ले भाई पाने। पिताजी का ना ले आया। अरे ठीक है ले पिताजी आप ना पी मत हम पी ला चल हम बाजार में ठीक है। बाबूजी मैं बाजार में जा रहा सब्जी ले आऊं। आऊं मैं वो सब्जी अरे भैया। भैया नमस्ते। नमस्ते बढ़िया कैसी है? बढ़िया आप बताओ कैसे हो? गुड़िया। हाँ जी भैया। पिताजी ने देख रखा मेरे लिए रिश्ता? अच्छा वो तो मुझे पता है। पता है तुझे? हाँ बताया था पिताजी ने। अच्छा हाँ हाँ। गुड़िया एक काम करिए। हाँ हाँ। मेरे पता पिताजी को कहने गया। अच्छा अच्छा। कि मैं देखने चले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। हैं? हाँ हाँ। और तू कह दिए? चलो मैं कह दूंगी भाई पिताजी को कि भैया चले जाएंगे देखने के लिए। हाँ। उनके हाँ। उनके सामने तो मना कर दी मैं। अच्छा देखने के लिए? हाँ। चलो मैं कह दूंगी। मैंने कहा पिताजी भैया को भेज देना देखने के लिए लड़के को। ठीक है ठीक है। हाँ भैया कह दूंगी। छोटी। हाँ जी पिताजी। आजा बेटा बैठ। हाँ जी। मिली राहुल से? हाँ जी पिताजी मिली भाई से। और क्या बात हुई था ये? बस कुछ नहीं वही लड़की के बारे में आपने बताया होगा तो वो कह रहे थे कि देखने के लिए चले जाएंगे भैया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। रोटी बनाती थे?
बस अब बना जाऊँ, भूख लग रही है, लड्डू बना लेते हैं, चल 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 बना, भूख लग रही है मुझे भी। ताजी क्या सोच रहे हैं बच्चे? अरे सोच में कुछ नहीं बैठे मैं तो, तू घूम आया और दोस्तों में अपने? हाँ पिताजी, ऐसा है मैं वहाँ लड़की वालों के वहाँ फोन करा था और भी उन्होंने कहा था कल को ही भेज दो, और मैं तो नहीं कह रहा हूँ तो कल को चले जाए, करिए एक बार तसल्ली से भाई। ठीक है पिताजी, ठीक तुम कहो तो। क्या कर रहे हैं पिताजी? अरे कुछ नहीं राहुल, थोड़ा चुन पिछुआ छोटी ने कहती चुन ना रह रहा आज आज का होगा, पर तू जागा किसके भाई तब पता तो पूछे ना उनको ना। मैं सतपाल सनोप सिरदारा और फतेहपुर गांव में माना चलता कुछ भी, तेरे वाली बाइक ठीक हुई नहीं वाली लोग का कोसा करिए उसके वाली शेखर वाली बाइक ले जाइए और बाइक पर चल लीजिए अपनी, गाँव में बढ़ती है दो घर छोड़ती, ठीक है किसी से पूछ रही है बता देना। ठीक है पिताजी, चलू मैं। पायल बेटा। हाँ माँ। इधर आए बाबू। यहाँ बैठ। पायल बेटी इतना काम ना कर रहा, वैसे तो दिखता नहीं, तेरे चोट फेट लग जाएगी। माँ मैं कर लूंगी, मेरा टाइम पास ना होता सारा दिन ठाली रह कर, तू टेंशन ना ले। ठीक है बेटा, जैसा तेरा जी करे ऐसा कर ले। ठीक है माँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की आंख की रोशनी छीन ली, मेरी बच्ची ने कौन से पाप करे थे जो उसको ये सजा मिल रही। निर्भाग, यहाँ तो तू मेरी गैल टकरम टकरा हो ही रही, और आज मुझे राहुल देखा डर लग रहा, उसकी गैल मत हो जाए टकरम टकरा, और अपना भीतर ही बैठ रही है, कभी आज फिर मेरे रिश्ते की टाल करवा दे। ए सुन, टाल होगी तेरे कर्म होता होगी, तेरे कर्म तेरी साथ और इसके कर्म इसकी साथ, तेरी जगह पर या मेरी कोख से जन्म ले लेती ना तो मेरा जीवन सफल हो जाता। माँ छोड़, बालक है ये अभी, आ जाएगी अकल। इबले तो इसमें बुद्धि आई ना, ये भी इसका ब्याह करने लग रहे, कहाँ था जिसमें बुद्धि, पागल है पागल। अरे माँ तुम्हें तो सारी कमी मेरे में दिखे, मेरे में लग रहे वे सारे कंटे। इरा बोबो तू छो मना है, मैं बिल्कुल नहीं आने की बार। मर परे कु मूड खराब कर दिया, अपनी माँ की गोदी में बैठ ले। पायल बेटा तू परेशान हो, इसमें तो इतनी अकल है, जतो आराम कर ले। हे भगवान तू ही कुछ करिश्मा कर जो मेरी बड़ी बेटी का जीवन धन्य हो जाए, पर कुछ रास्ता दिखा, रास्ता दिखा प्रभु। बताओ जी इंगा राउल आने वाला, इन बापू बेटे का पता ही नहीं कहाँ है, देख खुआ लग रही है। आवे तो चल रवि जल्दी जल्दी चल, तू राहुल आ जा। रे बापू तेरी आने तगड़ी है ना, मरी जड़ पाट के ले जाएगी। अरे कुछ नहीं वार तो ही तो करी, चल मिलने वाल कहाँ करी, मैं तो आने लगा। चल परे ना आवाज होता ना देखी देखी आले धक्के खा गए, तुम्हें शर्म लिहाज तो नहीं, तेरे घर में मेहमान आ लग रहे, तुम पंचायत में धक्के खाते फिरो। क्यों रही इंग्री तू इतनी, तुझे पता काम में हमारी कितनी इज्जत है, ऊपर से लक्षण आने लगा मुझे भूमि की फुर्सत मिलती। तू चुप रहो,
बता रही बात, तेरे अंदर तो शर्म ले आ जाओगी। रावला लग रहा, जाकर नमकीन बिस्कुट ठंडा लिया। लपकड़ पैसे ला रही मां, ला जाऊं मैं। तू मारे बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? तुझे क्या बेगा मारे बारे में? मारी कितनी इज्जत है गांव में, क्या करना नहीं करना। तू अपने घर का काम दे जो तुझे करना है। अरे यहाँ का काम तो रवि सिमाल लेगा, और हमें तो भाई अपनी पंचायत का देखना काम। हमारे बगैर तो पंचायत भी नहीं होनी। हम चले अपनी पंचायत में। माँ, अरे माँ, आले सामान लेके आ रही। ला पैसे दे जो बचे। पैसे ही दे रहा, ले। अरे भाई सुने के, हेलो। अरे भाई। हाँ भाई, फोन क्या दिक्कत है भाई? सतपाल सुनो, सरदारे का जाना है। सतपाल से सरदार तो बहुत है यहाँ से, तुझे किसके जाना है? उसके लड़के का नाम रवि है। रवि थोड़ा सा अब सर इंग्लिश साथ है। अच्छा ठीक है। आप कौन? जी मैं राहुल। आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चोट तो नहीं लगी? नहीं। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाओ अंदर आओ। चलो। जी आप बैठिए, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। जी सुनिए। हाँ जी। जी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ जी बोलिए। जी आप जन्म से ही या फिर? मैं समझ गई आप क्या पूछना चाहते हो। आप मेरी आँखों के बारे में पूछना चाह रहे हो? जी हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। जी मैं बीए में पढ़ती थी, कॉलेज से आते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जी आप? मेरी बहन। ठीक है। अंधी, तन्ने मेरे नए लत्ते गिरवा दिए, न तो इस घर में तो निकलती और ना मरती। इस घर में जो कोई मुझे चुप कर देगा, डरू मैं किसी से? मेरा राहुल आ गया बाहर बैठा। बदतमीज, तूने पहले क्यों ना मुंह फूंका मेरा? ये जल्दी से कपड़े इकट्ठा कर दे दे मुझे। पहले बेटा तू इसकी बात को दिल से ना लगाया कर, इंगो को सुना कर, इंगो को निकाल दे कर। और क्या कह रही, राहुल आ रहा? हाँ माँ राहुल आ रहा, बाहर है। चल उसके दर तो मैं बैठू, तो अपने भाई को उठा दे, वो सो रहा। ठीक है माँ। पड़ी उनने मेरी कोखते जन्म ले रखा हो, पर तेरा ही लाड़ा हुआ है मुझे। ठीक है चल। ठीक ठाक आ गया? हाँ जी। कुछ परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। और घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी सब बढ़िया। राम राम। राम बेटा ठंडा अंडा लेता? अरे माँ मीरा लेके आ लग रही है। और जी भाई साहब ड्यूटी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। और
अब क्या दिन की छुट्टी आई आप? एक महीने की आई। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते जी। मेरा बेटा राहुल को ठंडा दो। राहुल बेटा ठंडा पियो। भाई साहब लो ना नमकीन लो। लो लो मेरी बेटी भोली। हाँ जी वो तो मैं देख रहा। जा लो पैसे कहाँ तक पढ़िया? मैं तो स्कूल की झंडी पाड़ी आई थी। अच्छा स्कूल कौन सी क्लास तक था? पांचवी तक। तो काफी पढ़ रही आप तो। और मैं क्या स्कूल में जाऊँ थी, वहाँ खिचड़ी बहुत बढ़िया बनी थी और सत्तू भी मिला था। मैं तो वो एडिशन करवा लिया था। तो सत्तू खा खा के हो रिया से आप? घड़ा ना बोल। खाने में क्या पसंद है आपको? चाउमीन बर्गर पिज्जा सब कुछ पसंद है। मतलब घर का खाना पसंद नहीं आपको? यही है घर का खाना ही पसंद। मैं माँ परामटे बना वे भी खाऊं। बाकी मेरी माँ इसलिए तो मिल जाए सरकारी नौकर ढूंढा, मुझे खाना बनाना ना पड़े। ले नमकीन खाना। बजे मैंने खा ली। शर्मा में मत खा ले। और ले ले बस ले 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 बिस्कुट खा ले तुम। बजे मैंने ले ली। खा लेना मेरे कहने पे। बिस्कुट अच्छे है ना? हाँ जी अच्छे। कुछ पूछना हो तो पूछ ले भी और खाना हो तो खा ले। जी नहीं। तू भी बैठे गिरी। और बेटा मेरी बेटी पसंद आई? हाँ जी आंटी जी आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। बेटा मैं रिश्ता पक्का समझो? आंटी जी पर। पर क्या दहेज की कुछ मांग है? नहीं आंटी हमें कोई दहेज की कोई मांग नहीं हमारी। तो बताओ क्या बात है? लो बेटा। वो आंटी जी मुझे आपकी छोटी लड़की नहीं बड़ी लड़की पसंद आई। राहुल बेटा तुम्हारे घर के पसंद कर लेंगे? आंटी अगर मेरे घर के नहीं अपनाओगे उसे तो मैं खुद आके माड़ा घेर के ले जाऊंगा। एक बार तो आया भाई भी आया ताजी। क्या दिखा ताजी? मेरी तो छोटी से नहीं आई नहीं, मैं तो बड़ी पसंद आ गई। घर के नाश के पीछे लग गया के तो मैं घना समझदार मनु था। मैंने कर दिए हाँ तो ना कर का पता जी। मैं तो हाँ कर यार फिर कर ही गा सुनिए। हाँ इस घर का नाश ना करे मान जा। बता जी नाश ना खाब तो कुछ ही हो इब तो मैं जुबान दे यार। अरे एक काम कर ले तू अपना बैग उठा इस घर तल्ली कर जा। जो आप पान दे दिया ना तै मेरा मरियड का मुंह देखोगा आई बात समझ में। सारे उल्टे ही काम करता है तो मैं घना समझदार मानूंगा तो उससे बत्ती बत्ता में जगह निकल जा मेरी आंखों के। चल खड़े हो तब। भैया मत जाओ छोड़ के। मुझे गुड़िया जाने दे तो मुझे। नहीं भैया आप मत जाओ छोड़ के। पिताजी पिताजी भैया घर छोड़ के जा रहे हैं रोक लो ना पिताजी। जान दो तो रोका ना खबरदार। चल अपना काम कर। चल चल अपना काम कर। रवि बेटा उन्हें पायल कर मीरा उनका जल्दी सी तैयार हो लगी। राहुल का फोन आया था वो जल्दी सी आओ कर माला डाल कर ले जाएगा।
घर में उसके साथ राड होगी, किले आओ घर वो ठीक है मजा रहा कह रहा है अब फ्लैट है उसकी ठीक है ठीक है अभी कह रहा जल्दी चले जा भाई और माला डालती लंड को ले जाना बढ़िया छोरी के भाग खुल गया अपना हमें चिंता नहीं रही किसी बात की छोटी का तो हो जाएगा अपना सही कह रहे तुम राहुल बेटा आ गया रवि बेटा पायल को ले आओ ठीक है मान लाता हूँ जल्दी कर दे भाई लजीजा गेर माला और लेकर लंबा हो ले ले तू भी गेर मेरे तो राड मराई दी जब चिंता ना हमारी इज्जत तेरे हाथ में बेटे ठीक ठाक जाइए बेटे ठीक है जीजा और मैं ले भी देख देख सरकारी नौकरी देखिए और लेके भी लंबा हो ले आपने मेरे लिए इतना कुछ किया पता नहीं मैं आपका एहसान चुका पाऊंगी या नहीं आपने अपना परिवार भी छोड़ दिया मेरे लिए तो कैसी बात करती है पायल हैं पति पत्नी के बीच भी कोई एहसान की बात होती है पता नहीं मुझे तो घबराहट सी हो रही है पायल घबराने की कोई बात नहीं है मेरे डॉक्टर साहब से सारी बात हो गई है क्या कहा डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने कहा तेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है एक घंटे में तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और भगवान ने चाहा तेरी आंखों की रोशनी फिर आ जाएगी पायल पायल को रे अंदर आ जाओ आपका नंबर आ चुका है घबराइए ना बिल्कुल भी आ जाओ मैडम हाथ ऊपर करो देखो सर मैंने पायल जी की सारी रिपोर्ट चेक कर ली है सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और जो है इनका कुछ टाइम में अभी ऑपरेशन हो जाएगा आप जो है ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ ठीक है पायल जी जी सर
आप सबसे पहले किसे देखना चाहोगे? मैं उस इंसान को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे नया जीवन दिया है और मेरी आंखों की रोशनी दी है। उसका नाम क्या है? राहुल, मैं देख सकती हूँ। राहुल, मैं देख सकती हूँ। देख सकती है पायल?